बड़े भाई की छोटे भाई से एक और मुलाकात। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ शहबाज शरीफ से मुलाकात करने नैब ऑफिस पहुंच गए। मरियम नवाज भी वालिद नवाज शरीफ के हमरा हैं। इसी हवाले से तफसीला जानते हैं अरसलान हैदर से। जी अरसलान हैदर बताइएगा। इस वक्त आपको यहाँ पर आगाह कर रहे हैं जहाँ पर बड़े भाई की छोटे भाई से एक और मुलाकात। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ शहबाज शरीफ से मुलाकात करने नैब ऑफिस पहुंच गए। मरियम नवाज भी वालिद नवाज शरीफ के हमरा हैं। ये मनाजिर भी आप लाहौर न्यूज़ की स्क्रीन पर देख सकते हैं जहाँ पर नवाज शरीफ गाड़ी में सवार नैब ऑफिस के अंदर दाखिल हुए और उनके साथ इसी गाड़ी के अंदर मरियम नवाज भी मौजूद हैं जो कि शहबाज शरीफ से मिलने के लिए नैब ऑफिस पहुँचे हैं। साबिक वजीर आजम पाकिस्तान साबिक वजीर आला पंजाब से मुलाकात के लिए इस वक्त नैब ऑफिस पहुंचे हैं। मजीद तफसीला जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदगान अरसलान हैदर और राहिल सैयद मौजूद हैं। अरसलान ये बताइएगा कि मुलाकात के लिए बड़े भाई के छोटे भाई से मुलाकात, साबिक वजीर आजम नैब ऑफिस पहुंच चुके हैं। बिल्कुल, साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इस वक्त मरियम नवाज के हमरा नैब दफ्तर ठोकर न्याज बेग पहुंचे हैं। मियां मोहम्मद शहबाज नवाज शरीफ जो थे वो अभी जैसे ही नैब दफ्तर पहुंचे हैं तो साथ में मरियम नवाज भी उनके साथ गाड़ी में मौजूद थी और उसके कुछ ही देर बाद यहाँ पर यूसुफ अब्बास शरीफ और मियाँ हमजा शहबाज शरीफ भी नैब दफ्तर पहुँचे हैं और वो अब जो है मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। और ये इनकी मुलाकात का जो था ये तकरीबन तमाम अहले खाना और इनके तमाम फैमिली मेम्बर्स जो थे वो इस मुलाकात में शरीक हैं और वो इस वक्त अब जो है वो अंदर नैब के दफ्तर पहुँच चुके हैं और इसके बाद अब वो मुलाकात कर रहे हैं और ये कुछ टाइम के लिए मुलाकात जारी रहेगी क्योंकि इसमें जो है उनके तमाम शरीफ खानदान के जो काफ़ी जो मेंबर्स थे इस में शरीक हुए हैं। इनमें उनके घर की खवातीन भी थी और साथ में मियां हमजा शहबाज शरीफ और जो मियां यूसुफ अब्बास शरीफ भी इनके साथ मौजूद थे। मरियम नवाज और मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ नवाज शरीफ जो थे वो पहले नायब दफ्तर पहुँचे और उसके बाद मियां हमजा शहबाज जो है वो अब तशरीफ लेकर आ चुके हैं। जी असलान की बताइएगा मुलाकात के लिए कितना वक्त दिया गया है और सिक्योरिटी की कैसी सूरत हाल है? जी बिल्कुल, मियां जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ जो थे वो अपने सिक्योरिटी स्क्वाड के साथ यहाँ पर पहुँचे और यहाँ पर उनके आने से कबल जो सिक्योरिटी के जो इंतजाम थे वो मामूल के मुताबिक ही थे। जैसे नैब ऑफिस के बाहर जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं वही मौजूद थे और जैसे ही वो यहाँ पर तशरीफ लाए तो उनको वो फौरन उनकी गाड़ी को सिक्योरिटी के साथ में ही अंदर भेज दिया गया और इसी तरह मियाँ हमजा शहबाज जो थे वो भी अपने सिक्योरिटी स्क्वाड के साथ यहाँ पर तशरीफ लाए और उससे कबल भी यहाँ पर सिक्योरिटी इंतजाम थे वो सख्त किए गए, लेकिन जो ट्रैफिक थी वो मामूल के मुताबिक रही थी और किसी भी ना तो रोड को बंद किया गया और ना ही ट्रैफिक को रोका गया क्योंकि वो अपने पर्सनल गार्ड्स के हमरा यहाँ पर पहुंचे। और इसी तरह मियां नवाज शरीफ की जब आमद हुई यहाँ पर नैब दफ्तर दाखिल हुए तो उस वक्त सिर्फ नैब के यहाँ पर जो एहलकार मौजूद थे वही यहाँ पर हमें सिक्योरिटी को देखने में नजर आई। ज्यादा एक्स्ट्रा सिक्योरिटी या एक्स्ट्रा इंतजाम हमें देखने में यहाँ पर नजर नहीं आया। मियां नवाज शरीफ जो थे वो अब इस वक्त नैब के दफ्तर में दाखिल हो चुके और इनके जराये के मुताबिक कहा जा रहा है कि मुलाकात का जो टाइम है वो 30 मिनट जो है बताया जा रहा है। तकरीबन आधे घंटे की मुलाकात का टाइम होगा जिसमें तमाम फैमिली मेम्बर्स जो है वो मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। जी अरसलान हैदर आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए।